अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल फैसल। आज के वीडियो में मैं आपको एक लेटेस्ट से आपके बारे में बताऊंगा जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर अनाउंसमेंट हुई है। इसके अंदर आपने अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, मैं आपको मुकम्मल तरीकाकार इसी वीडियो के अंदर सिखाऊंगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली आपको यहाँ पर जॉब के रिलेटेड वीडियोज़ मिलती हैं और आपको मुकम्मल तरीकाकार एक ही वीडियो के अंदर सिखाया जाता है कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो इसके अंदर यहाँ पर मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं। आप पूरे पाकिस्तान से इसके अंदर अप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर आपका यहाँ पर टेस्ट होगा। टेस्ट होने के बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा और फिर आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन दिखा देता हूं। पोस्ट नेम की बात करें तो आप मल्टीपल में भी अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर की बात करें, मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट आपको पता लग गया। एजुकेशन की बात करें, अगर आपकी प्राइमरी से लेकर मास्टर तक के आपने किस सब्जेक्ट में भी पढ़ा हुआ तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें, आपकी एज 18 साल से लेकर 25 साल तक होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। डोमिसाइल की बात करें तो आपका ओवरऑल पाकिस्तान का होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर परमानेंट है, तो जो इसकी लास्ट डेट है आप यहाँ पे देख लें, 6 जून तक 2024 तक आपने इसके अंदर अप्लाई करना है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे शार्ट लिस्ट होंगे और शार्ट लिस्ट होने के बाद फिर आपका यहाँ पे टेस्ट भी होगा और इंटरव्यू भी होगा। अभी मैं आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ। इसको आपने डाउनलोड कैसे करना है वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर ये सारी वैकेंसी आपको मिल जाएंगी, तालीम भी लिखी हुई है। सबसे पहले जो वैकेंसी है डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर की, इसके अंदर जो स्केल है वो 16 है। उसके बाद नीचे बात करें सब असिस्टेंट की, इसके अंदर जो पे स्केल है वो 15 है। नीचे जूनियर असिस्टेंट इसका 13 है और सब असिस्टेंट इसका 11 है। और यहाँ पे नेब का सदा है उसका जो स्केल है वो 2 है। तो आपने यहाँ पे देख लेना है, तालीम भी लिखी है, मैट्रिक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इंटरमीडिएट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन जिन्होंने किया वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो साथ में आपकी यहाँ पे एज भी आपने देख लेनी है, वैकेंसियाँ भी देख लेनी है। उसके बाद ये चीज़ें आपने यहाँ पे लाजमी रीड करनी है, आपने पढ़नी है, पढ़ने के बाद फिर आपने अप्लाई करना है। अभी मैं आपको नेक्स्ट इसका बताता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है, कौन सा फॉर्म है जिसके ऊपर आपने जाके अप्लाई करना है और इस फॉर्म के ऊपर आपने आना कैसे है, वो भी मैं अभी आके चल के आपको मुकम्मल तरीका बताता हूँ। तो ये आप देख लें, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको ये सारी वैकेंसियाँ मिल जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा, आपने डाउनलोड कर लेना है, देख लेना है क्या फॉर्म कैसे भरते हैं, सारी चीज़ें आपको ये खुद भी डिटेल में बताएंगे। उसके बाद नीचे बात करें जिसके अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले आप इसकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देख लें। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, देख लेना है, इसकी सारी डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी। जॉब के रिलेटेड आपकी तालीम क्या मांग रहे हैं, उसके बाद एक्सपीरियंस वगैरह सारी चीज़ें आपने यहाँ पर लाजमी रीड करनी है। तो रीड करने के बाद फिर आपने अप्लाई करना है। अगर आपने किसी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए सिंपल इसके अंदर तरीकाकार ये है कि आपने अप्लाई नो के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपके सामने इस तरह का फॉर्म आएगा। इस फॉर्म के ऊपर सबसे पहले ये आपको कह रहे हैं अगर आपका यहाँ पे अकाउंट है तो आप इसको लॉग इन कर लें। अगर आपका यहाँ पे अकाउंट नहीं है इसके ऊपर इस पोर्टल के ऊपर तो फिर आप यहाँ पे न्यू अकाउंट बना लें। उसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म आएगा। इस फॉर्म को आपने यहाँ पे फिल करना होगा। तो इसको सबसे पहले यहाँ पे आपने अपना नाम लिख लेना है। उसके बाद दूसरे खाने के अंदर आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। नीचे बात करें फादर नेम लिखना है, ईमेल एड्रेस आपने लिख लेना है। उसके बाद पोस्टल एड्रेस आपका कौन सा है, परमानेंट एड्रेस कौन सा है, रीजन कौन सा है। उसके बाद आपने आईडी कार्ड नंबर लिख देना है। लॉग इन जो आपका पासवर्ड होगा वो कौन सा आपने वो यहाँ पे अपना बता देना है। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड बताना है, जेंडर है, मेल है, फीमेल है, मैरिज स्टेट बतानी है आपको, यहाँ पे शादीशुदा है नहीं है। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट आपने वो बताना है, डोमिसाइल का आपने बता दिया। उसके बाद नीचे मोबाइल नंबर आपने बता देना है। उसके बाद डिग्री आपके पास कौन सी है, डिग्री की डिटेल आपने बतानी है। उसके बाद आपके मार्क्स कितने थे, उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है वो बताना है। टाइपिंग स्पीड आपकी कितनी है वो आपने बता दी नहीं है। उसके बाद शार्ट हैंड की जो आपकी स्पीड है वो आपकी कितनी है वो भी आपने बता देनी है। ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है तो वो आपने बता देना है। उसके बाद ये चीज़ें आपने लाजमी आप पे बता के उसके बाद फिर आपने इसको नेक्स्ट कर देना है यहाँ पे। तो फिर आपके सामने एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म के ऊपर लिखा होगा कि आप अप्लाई नो करें। अप्लाई नो के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा। तो फिर आपको यहाँ पे शार्ट लिस्ट करेंगे, आपको ये बताएंगे कि आपका इंटरव्यू टेस्ट कब है। मैं भी आपको यहाँ पे गाइड करूँगा, मैं आपको बता दूंगा। आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, आपको इस तरह की अपडेट मिल जाएगी। तो अभी चलते हैं मजीद, मैं आपको बता देता हूँ आपने इस फॉर्म के ऊपर कैसे आना है। तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये अप्लाई का सारा फॉर्म मिल जाएगा। उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और फिर आपने इजी अप्लाई कर लेना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म भी है, आपने इसको भी देख लेना है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, सारी इनके वेबसाइट के ऊपर ही हैं। आपने यहाँ पे सर आना है, सर इसको देखना है, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे पता लग जाएंगी। तो आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसी पोर्टल के ऊपर आप आकर ईजी अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।